झारखंड में जारी सियासी सरगर्मी के बीच शुक्रवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने गांडे विधानसभा सीट पर 6 माह में उपचुनाव कराने की मांग की है। सर्वोच्च न्यायालय में प्रमोद लक्ष्मण गुडाधे बनाम केंद्रीय निर्वाचन आयोग एवं अन्य का हवाला देकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गांडे विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल में झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, प्रवक्ता विनोद पांडे, विधायक नलिन सोरेन और भूषण तिर्की शामिल है। देखिए, जैसा की आप सभी लोगों को मालूम है की गांडे विधानसभा के विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद गांडे विधानसभा का सीट रिक्त हुआ और विधानसभा के सचिवालय के द्वारा इसकी जानकारी चुनाव आयोग को दी गई। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के धारा 151A के तहत अगर किसी भी सीट का कार्यकाल 1 साल से ज़्यादा बचता है तो उस पर चुनाव कराने का प्रावधान है 6 महीने के अंदर में। उसी के तहत ने आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रवि कुमार जी से मुलाकात की और उनसे हम लोगों ने अनुरोध किया है कि गांडे विधानसभा सीट अब रिक्त है और 6 महीने के अंदर में वहाँ पर चुनाव संपन्न कराया जाए। इसी अनुरोध के साथ आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और उन्होंने कहा कि जो भी आपके द्वारा मेमोरेंडम दिया गया है, जो भी बातें आपके द्वारा कही गई है, उसको हम लोग दिल्ली चुनाव आयोग के समक्ष भेजेंगे और जो भी निर्णय होगा उस निर्णय का हम लोग पालन करेंगे। कोई सवाल है? आप लोगों से जी मुख्य निर्वाचन आयोग के पास पहुंच गए, वहां लेटर दे दिए, तो उसी के वजह से तो नहीं आना पड़ा आपको? नहीं नहीं, कोई वजह नहीं है। ऐसा है कि संविधान और देश के कानून का ज्ञान सिर्फ निशिकांत जी को नहीं, कानून का ज्ञान हम लोगों को भी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी है और हम लोग जो भी एनेक्सचर है उसमें लगा करके आज हम लोगों ने यहाँ जमा किया है और ज़रूरत पड़ी तो हम लोग दिल्ली भी चुनाव आयोग के समक्ष अपनी बात को रखेंगे। इसलिए किसी के ट्वीट से या किसी के मेमोरेंडम से उसकी प्रतिक्रिया में हम लोगों ने ये नहीं किया है। हम लोगों ने जो वस्तु स्थिति है उससे हम लोगों ने निर्वाचन आयुक्त को अवगत कराने का काम किया है। तो हम लोगों को पहले से अंदेशा लग रहा है कि ये चुनाव नहीं हो सकता? नहीं नहीं, कोई अंदेशा नहीं है, ये तो प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत हम लोग आए हैं और विधानसभा सचिवालय के द्वारा भी ये बातें चुनाव आयोग को बताई जा चुकी है। हम लोग सिर्फ ये बताने के लिए आए हैं कि 1 साल से ज़्यादा का कार्यकाल अभी बचा हुआ है, इसलिए 6 महीने के अंदर में वहाँ पर चुनाव कराना चाहिए प्रावधान के अनुसार। धन्यवाद। The followup.in like, share and subscribe www.thefollowup.in